हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज की वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। आपको प्रोसेस दे रखा है आयनाइजेशन ऑफ हीलियम। तो बेसिकली ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एच ई प्लस के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। फिर इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे बोहर के जो रिजल्ट हैं वो एप्लीकेबल रहेंगे। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज दिस। ठीक है, तो देखो एच ई प्लस में जो एक इलेक्ट्रॉन बचा होगा वो भी तो ग्राउंड स्टेट में ही पड़ा है। ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट शेल। ठीक है, एंड मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, माइनस ऑफ एनर्जी ऑफ द शेल फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड। तो जो इलेक्ट्रॉन रिमूविंग होनी है वो फर्स्ट शेल से तो होनी है, एंड फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी है क्वेश्चन में गिवन है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। देखो ये तो हाइड्रोजन एटम की है एंड हमें हीलियम के लिए चाहिए बेसिकली, तो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी दे रखी है, हम हीलियम एटम की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम दे रखी है, दिस विल बी माइनस ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, है ना। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम दिस विल बी माइनस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, माइनस ऑफ 2.18 × 10⁻¹⁸ जूल पर एटम। तो ये फर्स्ट एटम फर्स्ट शेल की एनर्जी आई हाइड्रोजन के केस में, एंड हमें पता है कि जो एनर्जी होती है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो एन तो दोनों का सेम है, हीलियम में से भी जो इलेक्ट्रॉन निकालना है बेसिकली मुझे ई वन निकालना है फॉर हीलियम, तो ई वन ही गिवन है फॉर हाइड्रोजन, मतलब एन वैल्यू सेम है, दोनों में जेड वैल्यू का फर्क है। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर फॉर सेम वैल्यू ऑफ एन। तो ई वन फॉर हीलियम आयन अपॉन ई वन फॉर हाइड्रोजन दिस विल बी जेड स्क्वायर। हीलियम का जेड वैल्यू कितना होता है 2, अपॉन हाइड्रोजन का जेड वैल्यू कितना होता है 1। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि ई वन फॉर हीलियम आयन इज 4 टाइम्स द ई वन फॉर हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन के लिए जो ई वन था वो आपको क्वेश्चन में दिया गया था, ये बन जाएगा आपका 4 टाइम्स माइनस 2.18 × 10⁻¹⁸। क्लियर, तो ई वन कितना आ गया हीलियम के केस में, दिस विल बी 2.18 × 10⁻¹⁶। तो 4 8 32, 3 4 1 4 7 एंड 2 4 8, 8.712 × 10⁻¹⁸। तो ये ई वन है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, माइनस ऑफ ई वन। तो जो हमें प्रोसेस कैरी आउट करना है उसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व होगी दिस विल बी माइनस ऑफ दिस वैल्यू। तो बेसिकली आंसर क्या आएगा, 8.72 × 10⁻¹⁸ जूल्स पर एटम। क्लियर, होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू।